अपना जो रुतबा है ना दोस्तों, वो समुद्र के जैसा नहीं तेल के जैसा रखिए, जिसको समंदर भी नहीं डुबा सकता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा, आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल H2RB में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है आप सभी लोगों के लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि शनिदेव जो है 137 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी वक्री हो रहे हैं। तो आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। शनि की साढ़े साथी के चलते हुए शनिदेव 137 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि वक्री होता क्या है, रेट्रोग्रेड होता क्या है। ग्रहों की साथियों दो अवस्थाएं होती हैं, यानी पहला मार्गी और दूसरा वक्री। यानी मार्गी जो स्थिति होती है, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, और जब ग्रह जो है सूर्य के नजदीक परिक्रमा करते हैं तो अपनी गति से चलते जाते हैं, और जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूराई पर चले जाते हैं तो वो क्या है, धीमे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये उल्टे चल रहे हैं, जबकि उल्टे नहीं, चलते तो हैं लेकिन वो धीमी गति से चलते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्रभाव है वो धीमा हो जाता है। और शनिदेव क्या है, यानी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, धीमे हो रहे हैं 137 दिन के लिए, तो आपकी कुंडली पर, और वैसे भी शनिदेव जो है यानी सने सने धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और धीरे धीरे फल देते हैं जब वक्री होते हैं। और आपकी राशि पर शनि के साढ़े साथी तो चल ही रही है, इधर से शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, लोग बेवजह ही डर जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा तब आपको पता लगेगा कि शनिदेव जो है वास्तव में है क्या ग्रह और वो आपको फल किस तरीके से देते हैं। शनिदेव जो है, शनिदेव की दशा में भाग्योदय होता है, शनिदेव की दशा में विवाह होता है, शनिदेव की दशा में संतान होती है, शनिदेव की दशा में लोग भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति खरीदते हैं, शनिदेव की दशा में प्रमोशन होता है, शनिदेव की दशा में नौकरी लगती है, शनिदेव की ही दशा में लोग विदेश गमन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनिदेव की दशा में, बात है केवल समझने की। यानी कुछ लोग डरा देते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, शनिदेव को कैसे मनाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। साथियों, ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी नाम राशि जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और शनिदेव जो है बहुत शुभ ग्रह हैं, त्वरित फल देने वाले हैं, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा की स्थिति रखते हैं, आप मना दोगे तो पल भर में आपको सब कुछ दे देंगे, और आप यदि नास्तिक हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना नहीं है, लेकिन किन लोगों को डरना है, उन लोगों को डरना है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो आस्तिक नहीं हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उन लोगों को डरने की जरूरत, क्योंकि ये प्रकृति है, ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, संसार चलता, संसारति इति संसार, जो चलता रहता किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए मानने की जरूरत है। आप लोग आस्तिक बनिए, भगवान का पूजन करिए, जो लोग आस्तिक हैं वेल एंड गुड, जो नहीं है वो आस्तिक बने, कोई भी शनि से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी हाँ दोस्तों, तो शनिदेव जो है आपका मीन लग्न बनता है और आपकी राशि से, चंद्र राशि से शनिदेव 12वें भाव में विराजमान है, और जो 12वां भाव है वो अपनी राशि पर विराजमान है, और शनिदेव यहाँ पर जब वक्री हो रहे हैं तो एक भाव पहले का भी फल देंगे, और ये भाव हमारा माना जाता है आय स्थान का, यहाँ से हमारी अर्निंग देखी जाती है, यहाँ से हमारी इनकम देखी जाती है, यहाँ से हमारा बैंक बैलेंस देखा जाता है, तो यहाँ का भी फल देंगे। कब से, यानी 30 जून से और 14 नवंबर तक जो है शनिदेव 137 दिन के लिए वक्री रहेंगे। और जो 12वां भाव जहाँ शनिदेव स्वयं में विराजमान है, वो भाव किस चीज़ के लिए देखा जाता है, वो भाव देखा जाता है आपके खर्चे के लिए, वो भाव देखा जाता है आपके यात्रा के लिए, वो भाव देखा जाता है आपके दुख के लिए, वो भाव देखा जाता है आपके जाने वाली चीज़ों के लिए, यानी जो चीज़ें हमसे जा रही होती है, और यही भाव देखा जाता है मोक्ष के लिए। यानी जो 12वां भाव है यात्रा के लिए भी ये भाव देखा जाता है, तो वहाँ पर शनिदेव हैं और शनिदेव जब वक्री होंगे तो यहाँ का भी आपको फल देंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि शनिदेव वक्री होने पर क्या करते हैं, आपको जो है शनिदेव यहाँ का भी जब फल देंगे तो आय क्षेत्र है, आपकी आय तो बढ़ेगी,
लेकिन यहाँ से संबंधित आपको जो है थोड़ा सा यात्राएं आपको करनी होगी। यदि आप अपनी इच्छा से यात्रा करते हैं तो ये थकाने वाली यात्रा आपको करेंगे शनिदेव। बेवजह की यात्रा भी आपसे करवा सकते हैं। विदेश गमन का योग भी बनता है, यानी यात्राओं का जो है आपका विशेष रहेगा, इसमें यात्राएं विशेष रहेगी आपकी। यदि आप जो है मठ मंदिर देवी स्थान यानी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम यानी आप जो है कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, वैष्णो देवी इत्यादि अमरनाथ इत्यादि कहीं की भी यात्रा आप लोग जरूर करें, ताकि जो है शनिदेव आपको भगाए नहीं बेवजह। बेवजह आपको नहीं भागना है, यानी शनिदेव पहले ही यात्रा कर डालिए, जो शनिदेव ने फल देना है वो आप पहले ही कर डालिए, बहुत अच्छा योग बनता है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मठ मंदिर देव स्थान की यात्रा आपको शनिदेव बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है आपको अनघिर्त खर्चा, यानी आपको सोचना होगा कि जो अनघिर्त खर्चा है वो मुझे नहीं करना है। कोई खर्चा ऐसा कि मतलब जो है आप कोशिश करते हुए भी अनघिर्त खर्चा आपका हो सकता है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। दूसरी चीज़ जो है बारहवें भाव में जो शनिदेव हैं वो आपको जो है थोड़ा सा शारीरिक तौर पर दिक्कत कर सकते हैं, मानसिक तौर पर दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, जिनकी दशा महादशा कष्टी है, जिनके शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं हैं। यानी साथियों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, और परामर्श जरूरी हो जाता है, जिनकी कुंडली में शनि कष्टी है वो लोग जो है आफत में पड़ते रहते हैं, विपत में पड़ते रहते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं, तो कुंडली में यदि पहले ही हम जो है दिखवा दें अपनी कुंडली, अपनी हमारी कुंडली में ग्रह कौन सा कष्टी है, हमारी कुंडली में कौन से ग्रह का उपाय हमें करना चाहिए, किन ग्रहों की कमी के कारण हमारी नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करियर सही नहीं बन पा रहा है, तो वो आप यदि पहले ही दिखा दें तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसलिए आपको यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें, और आपको जो है सारी चीज़ें उपाय के सहित बता दी जाएगी। आपको रत्न क्या लगता है, आपका कलर कौन सा सही है, आपका भाग्यांक कौन सा है, आपके घर का वास्तु कैसा है, यानी सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यानी शनिदेव जो है बारहवें भाव में खर्चे की अधिकता आपकी रहेगी। दूसरी चीज़ जो है आपको मानसिक तौर पर यानी शारीरिक आलस्य आपको ज़्यादा रहेगा। शारीरिक तौर पर आलस्य यानी आप सोचेंगे कि मतलब जो है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको करना होगा। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपको शारीरिक तौर पर दिक्कत हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको मोटापा बढ़ सकता है, आपको शरीर में दिक्कत आ सकती है, आपकी मानसिक कष्ट आपको हो सकता है। और यदि आप कार्य करेंगे, यदि आप वर्क करते रहेंगे, यदि आप सोए नहीं रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, तो आपको जो है सम्मान भी मिलेगा, आपकी शारीरिक स्थिति भी सही रहेगी और आप आगे भी बढ़ोगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं बनती है। तो आपके जो बारहवें शनि हैं वो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत न करें, इसलिए यात्राओं का आप जहाँ भी हो सके यात्रा आप जरूर करिए, और थकाने वाली यात्रा ना हो उससे पहले ही कर डालिए। दूसरी चीज़ जो है बारहवें शनि खर्चे की आप जो है अधिकता आपको रह सकती है, इसलिए खर्चे से आप बचिएगा। दूसरी चीज़ जो है यदि आपको ऋण लेना है, कर्जा लेना है, तो उसे सोच समझ के लीजिएगा, और यदि आप पे कर्जा हो रखा है तो उसको जल्दी से निकालने की कोशिश करें, और यदि आपको ऋण चाहिए तो सोच समझ के लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है 30 जून के बाद आपकी आय अच्छी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति देव आय क्षेत्र में भी जो है शनिदेव हैं, और शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है यानी आपकी शनिदेव की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे भी है, और अष्टम भाव पे दृष्टि होने से आपको जो है शारीरिक दिक्कत से बचना है, या अनघिर्त यात्राओं से आपको बचना होगा। भाग्योदय आपका होगा, यानी जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई दिक्कत थी उनकी पढ़ाई भी होगी, और शनिदेव की दृष्टि जो है सेकंड हाउस में भी है, थर्ड हाउस में भी है, तो यानी ऐसी स्थिति होने से आपको जो है पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। परिवार के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, पारिवारिक स्थिति को सही रखने के लिए बेवजह की टेंशन आप लेंगे, यानी मन आपका विचलित रहेगा, इन चीज़ों से आपको आपकी जो लव लाइफ है वो भी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सतर्क रहना है आपको, चिड़चिड़ापन आपके अंदर थोड़ा रहेगा, उसको आपको दूर करना है। यानी आपकी आपकी जो लव लाइफ है वो आपके वाणी पर डिपेंड करती है, इसलिए वाणी को आपको सही रखना है, अनघिर्त क्रोधित नहीं होना है, तो आपकी लव लाइफ भी सही रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए आपको जो है थोड़ा सा यानी विशेष तौर पर स्थिति अपनी अच्छी रखनी होगी, सोच अपनी अच्छी रखनी होगी, मानसिक स्थिति अच्छी रखनी होगी, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा था, यानी प्रयास करने से उनका विवाह भी होगा, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, संतान के लिए भी बेटर रहेगा। लेकिन साथियों,
यानी शनिदेव जब वक्री होते हैं और शनिदेव की साढ़े साथी भी है तो वो थोड़ा थकाने वाली स्थिति रहती है, प्रयास ज़्यादा करना होता है, मेहनत ज़्यादा करनी होती है, तब जाके हमें फल प्राप्त होता जरूर है, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन प्रयास करने से, कर्म करने से, कर्म नेवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचनम, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा आपको 110% मिलेगा। लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है, डराना किसी भी व्यक्ति का भाव नहीं होना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। आपको जो है, यदि आप सही हैं, आपके कर्म सही हैं, आपकी सोच सही है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका भाग्योदय होगा, आपको हर चीज़ से सम्मान मिलेगा। लेकिन आपको यात्राओं से, अनघृत यात्राओं से बचना है और उसके साथ साथ में स्वास्थ्य की विशेष देखरेख, अनघृत आलस्य आपको नहीं करना है, आलस्य से आपको बचना होगा। दूसरी चीज़ जो है, भगवान की पूजा आपको जरूर करनी होगी। तो साथियों, आपको उपाय क्या करना होगा? उपाय के लिए आपको 108 उपाय के लिए आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की, ओम प्रांग प्रीम प्रोक्ष शनिश्चराय नमः, इसकी 108 बार जाप जरूर करना है। और इसके साथ साथ में सन्नो देव रविष्ठा आपो भंत पीते संजो रवि स्रवंतुना है, इस मंत्र को बोलते हुए शनि की मूर्ति पर फूल से तेल टच करना है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, पक्षियों को दाना पानी देना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो है, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी जरूर करिएगा, और कर सकते हैं तो आपको जो है गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना है, और पुखराज यदि पहन सकते हैं तो पुखराज आपको अपनी कुंडली को दिखा करके जरूर पहनना चाहिए। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।